नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ये मोदी सरकार की जबरदस्त कूटनीति का ही नतीजा है कि भारत लगातार 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुन लिया गया। दुनिया भर के 192 में से 184 देशों का भारत को साथ मिला। इन सभी देशों ने भारत के पक्ष में वोटिंग की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि सदस्य देशों ने भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021-22 तक के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य चुना। भारत को 192 में से 184 वोट मिले। I'm truly delighted that India has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council for 2021-22. We have received overwhelming support. And I'm deeply humbled by the tremendous confidence which the member states of the United Nations have reposed in India. Our election to the Security Council is a testament to Prime Minister Modi's vision and his inspiring global leadership, particularly in the time of COVID-19. The outcome is a reflection of the strong campaign led by the Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. I also thank the Honorable Minister of State for External Affairs, the Foreign Secretary, my own predecessor, Team MEA, and all the missions abroad. सुरक्षा परिषद में भारत के चुने जाने से पहले ही पाकिस्तान परेशान हो गया था। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता हमारे लिए चिंता का विषय है। भारत हमेशा इस मंच से उठाए जाने वाले प्रस्तावों को खारिज करता रहा है। भारत के अस्थायी सदस्य बनने से कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए महज 128 वोट चाहिए थे। इसीलिए भारत को पहले से ही उम्मीद थी कि बुधवार को सुरक्षा परिषद चुनाव में उसे आसानी से जीत मिल जाएगी, जो उसे 2021-22 के कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र उच्च तालिका में लाएगा। भारत पहली बार 1950 में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और आज 8वीं बार चुना गया। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से गैर स्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। भारत इससे पहले 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में ये जिम्मेदारी निभा चुका है।